बुलंदशहर की खुर्जा नगर पुलिस ने मंजू हत्याकांड का चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि संपत्ति के विवाद में कलियुग के बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या की थी, जबकि हत्यारोपी ने पिता के सिर पर भी तमंचे की बट से प्रहार किया था। पुलिस ने हत्यारोपी बेटे यतेंद्र को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि बुलंदशहर के खुर्जा नगर कोतवाली की जंक्शन चौकी क्षेत्र के विमला नगर निवासी मंजू की देर रात उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह अपने पति ओम प्रकाश के साथ अपने घर के ही कमरे में सो रही थी। इस दौरान पति ओम प्रकाश द्वारा विरोध किए जाने पर उनके सिर पर भी तमंचे की बट से आरोपी द्वारा प्रहार किया गया था। इस घटना में मंजू की मौके पर मौत हो गई, जबकि ओम प्रकाश को गंभीर हालत में मेरठ हायर मेडिकल सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस की माने तो घटना के वक्त मृतका के घर का दरवाजा अंदर से बंद था, यानी कोई बाहरी व्यक्ति घर में दाखिल नहीं हो सकता था। इसी के चलते पुलिस की शक की सुई मृतका के बेटे की तरफ घूमी। पुलिस ने आरोपी यतेंद्र को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो हत्याकांड की परत दर परत खुलती चली गई। फिलहाल खुर्जा नगर पुलिस ने कलियुगी बेटे को सलाखों के पीछे भेज दिया है, जबकि आरोपी की निशानदेही पर घटना में इस्तेमाल किया गया तमंचा भी बरामद कर लिया गया है। 27 तारीख की रात में बिमला नगर खुर्जा जंक्शन क्षेत्र में एक महिला की गोली मारने से हत्या हुई थी, जिसमें पिता को भी चोट लगी थी सर में। उसमें गेट अंदर से बंद था और परिवार वालों ने, खासकर से उसके लड़के ने जो घर पे मौजूद था, और तीन लड़के उसके बाहर थे, सूचना को पुलिस को भी नहीं दी, छिपाई। पड़ोसियों ने काफ़ी देर बाद सूचना दी, को शुरू से संदिग्ध था, से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया कि उसने ही अपने माँ की रात में गोली मारकर हत्या की थी। बाप के ऊपर भी गोली चलाया था, लेकिन वो गोली रिकोचित हो गई तो उसके सर के ऊपर बट से प्रहार किया था, जिससे वो घायल हो गए थे। वो अब वापस आ चुके हैं, स्वस्थ हैं। हाँ, जो मुलजिम है उसका नाम यतेंद्र है, वो तीसरे क्रम का लड़का है। उसके पास से हत्या में प्रयुक्त आला कतल बरामद हुआ है। गोली मारे कारण की जो उसके माता पिता थे, वो अपने दूसरे बच्चे के परिवार के साथ रहते थे। अभी कुछ दिनों पहले एक प्लाट बेचे थे जिसमें 12 लाख रुपए आए थे, उसमें ज़्यादा हिस्सा उन लोगों ने दूसरे बच्चे के परिवार को दिया था, जिससे रुष्ट था और इसको यह शक था, बता रहा था कि हमें यह शक था कि ये पैसा और भी अपनी प्रॉपर्टी को उसको लिख देंगे। इस कारण मौका देख करके उसने इस योजना को अंजाम दिया। टाइम 24 न्यूज़ के लिए इकबाल सैफी की रिपोर्ट। गांव से शहर तक, राजनीति से सियासत तक, सिनेमा से खेल जगत तक, जनता झेल रही है महंगाई की मार। क्या पाक को मिलेगा जवाब? जनता खिलाएगी कमल या उठाएगी हाथ? किसके सर पर सजेगा सियासी ताज? खबर हमारी दिखाएगी आपको हकीकत।